ऑनलाइन जॉब फ्रॉड के लिए डिफरेंट साइट्स बोगस साइट्स बनाए जाते हैं जिसमें जॉब uh, सीकर जो है वो फंस जाते हैं ओ एंड जॉब सीकर क्यों फंसते हैं कि वो भी सोचते नहीं है इसका मैं एक उदाहरण दूंगा जो केस मैंने इन्वेस्टिगेट किया था एक बच्चे ने uh, कैटरिंग में डिप्लोमा किया और उसे एक लंडन के बड़े होटल का मैसेज आ गया कि आपको कुछ मिलियन पाउंड्स का जॉब हम दे रहे हैं माई गॉड Uh, उसे तो लगा होगा जैसे उसकी लॉटरी लॉटरी लग गई और उन्होंने कहा था फॉर एंड अदर प्रोसेसिंग नॉट अ वेरी रिच मैन तो उन्होंने कहाँ से पैसे जुटाए hmm. और पैसे भरते गए थिंकिंगट हीट जॉर अभी उन्होंने ये सोचना था था कि इसने इंटरव्यू नहीं दिया था उसका Suddenly वो कैसे सिलेक्ट हो गया आई आई एम नॉट डोंट टू इंसल्ट क्वालिफिकेशन बट जॉब मिल जाएगा थोड़ा इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए so, no, तो हमारी एजुकेशन क्या है हमारा एक्सपीरियंस क्या है एज अगेंस्ट दैट मुझे कौन सी जॉब मिल रही है सब करके ही बाद में आगे बढ़ना है और सेकेंडली ऐसी बात है जब मुझे कोई नौकरी देता है तो आई डोंट है ज्वाइन करूँगा फिर मुझे सैलरी मिलेगी hmm. और माए रेवनेशन मिलेगा यहाँ तो वो लोग पैसे पहले से ही पैसे मांगने चालू कर देते हैं आपका वीजा का काम है वो पर होना है इवन दे दिस आपका यहाँ से अगर लंडन आना है तो आपको रिजर्व बैंक का क्लियरेंस लगेगा uh -huh. उसके लिए भी हम करेंगे वो भी पैसा आप भर दो सो वन दोज टू थिंक ओवर इट मेनी पीपल जस्ट दे गेट कि मुझे इतने वो खुश हो जाते हैं कि मुझे आई हैव बीन सिलेक्टेड और इसमें वो फंस जाते हैं तो ये सोचना है अगर हमें कोई जॉब दे रहा है तो मुझसे पैसे क्यों मांगेगा सही बात है जो आपने बोला इनफैक्ट हो सकता है कि कोई किसी में कोई बहुत ही मेडिटोरियस स्टूडेंट होगा या अगर मान लीजिए उसके अंदर जो है सचमुच कोई ऐसे एक्स्ट्रा स्किल्स होंगे जिसमें कि डिप्लोमा के बाद भी उसे जॉब ऑफर लंडन का आया हुआ है तो उसे फिर भी वेरीफाई तो करना ही होगा बगैर वेरिफिकेशन 18 लाख रुपीज देना मतलब ये कितना बड़ा ट्रैप रहा होगा और कितने मतलब कितने आसानी से उन लोगों ने इनको भी साइकोलॉजिकली uh, मैनिपुलेट करके, करके ट्रैप कर लिया